दोस्तों, ये स्पेशल ट्यूटोरियल है बेसिकली। इसमें मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको। एक्चुअली मैं जो सिनॉप्सिस का जो वो डिस्कस करने वाला था, वो शायद ऐसा हो सकता था कुछ दिनों के लिए मुझे ये टालना पड़ सकता है, क्योंकि आपको पता होगा दैट प्रीलिम्स के लिए ऑलमोस्ट 70 से 75 दिन तक ऑलमोस्ट अभी टाइम है। और हम लोग अगर अभी सिनॉप्सिस करने लग गए तो उसमें क्या होगा दैट हम ज़्यादा मेंस में फोकस कर देंगे। तो क्या फ़ायदा होगा यार अगर मेंस के लिए पूरा फोकस कर दिया और प्रीलिम्स से क्लियर नहीं हुआ। तो मैं आपको जस्ट रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दैट आप लोग भी अभी प्रीलिम्स में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए। और जितने सारे रिविजन्स हैं, जैसे हिस्ट्री है ना, ज्योग्राफी, उसके बाद और भी जितने सारे पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स जितने भी है, करंट अफेयर्स, ये सब करने में ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। और एक्चुअली मैंने ये डिसीजन इसलिए लिया, वो भी मैं बता दे रहा हूँ क्यों, क्योंकि मैं IAS बाबा का टेस्ट सीरीज़ देने बैठा, तो पहला और दूसरा जो टेस्ट दिया तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कम नंबर आया मुझे। तो मुझे लगा दैट कहीं ना कहीं मेरा भी प्रिपरेशन थोड़ा डाउन जा रहा है। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, अभी ज़्यादा से ज़्यादा मेंस में बिल्कुल ना फोकस कीजिए, ठीक है। हो सके तो क्या कीजिए आप लोग दैट हर रोज़ इनसाइट्स ऑन इंडिया से कोई एक क्वेश्चन जो आपको लगे, जो जिसका आप आंसर लिखना चाहते हो, वो अपने से ट्राई करो हर रोज़ एक एक क्वेश्चन, ठीक है। अभी वो करो, एक एक क्वेश्चन इज़ इनफ। ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लीजिए, ठीक है। आर्टिकल भी पढ़ लीजिए, क्वेश्चन भी बना लीजिए, देखिए आप कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और फोरम से दोस्तों के साथ मिलाइए, कैसा क्वेश्चन क्वालिटी हो रहा है। और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहता हूँ, अभी तो वहाँ तक कीजिए दोस्तों, पर मैं प्रीलिम्स के बाद फिर से सिनॉप्सिस का सीरीज़ स्टार्ट कर दूंगा। और वो मैं अच्छे से बता रहा हूँ, को गारंटी दे रहा हूँ, बहुत ही क्वालिटी सीरीज़ दूंगा। तब एकदम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूँगा, एक तो नॉर्मल GS वाले भी सारे और एथिक्स के भी सारे क्वेश्चन करवा दूँगा, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल इस ट्यूटोरियल का एनालिसिस यही था दैट मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप लोग भी प्रीलिम्स का प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। मेंस का बाद में देखते हैं हम लोग, ठीक है। मेंस का हो जाएगा यार, 3 महीना रहता है, इज़ मोर देन इनफ। बट प्रीलिम्स यार, प्रीलिम्स इतना डेंजर वो है ना, मतलब उसको पार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि आपको पता होगा दैट हर साल कट ऑफ बढ़ते जा रहा है। सो इट विल बिकम क्वाइट इम्पॉसिबल। फिर हम लोग बाद में खुद अपने सिर फोड़ेंगे, यार क्या सिनॉप्सिस तो इतने दिन से कर रहे थे, प्रीलिम्स ही नहीं निकला, है ना। सो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। और हो सके तो मैं अभी प्रीलिम्स तक तो मैं आपसे छुट्टी लेना चाहता हूँ, बट बीच में एक दो वीडियो डालूंगा, बट वो प्रीलिम्स के रिलेटेड डालूंगा, मतलब प्रीलिम्स के जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रह रहे हैं तो उनको लेकर शायद मैं डिस्कस कर सकूँ आपके साथ दैट हाँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि पिछले बार क्या हुआ था ना, मैंने दोस्तों के साथ मजाक मजाक में 10 क्वेश्चन मैंने गेस मार दिया था और उसमें से 6 क्वेश्चंस हू बहू वही क्वेश्चंस आ गए थे। मैं आपको बता दूंगा, उसलिए मैं बोल रहा हूँ दैट हो सके तो मैं बीच में एक दो वीडियोज़ डालूंगा जिसमें बहुत हाईली प्रोबेबल क्वेश्चन के जो प्रीलिम्स में आ सकता है वो आपको बता दूंगा। और आप जस्ट टॉपिक डिस्कस कर लूँगा, आप उसके बारे में गूगल सर्च या फिर न्यूज़ वाले सर्च कर लेना, ठीक है। तो अभी तक यहीं तक रखता हूँ। टिल देन आई विल मीट आफ्टर द प्रीलिम्स एग्ज़ाम। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।